हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर कार सेलर सिमुलेटर। तो गाइस, मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था, 20 डॉज वाइपर कार चैलेंज। तो हमने 20 डॉज वाइपर कार को कलेक्ट कर लिया है, तो आज हम उसी वीडियो में डॉज वाइपर कार को आज हम सेल करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं शोरूम में आ चुका हूँ, तो देख सकते हो कितनी सारी कार खड़ी हैं, महंगी महंगी कार खड़ी हैं, पूरी ड्रिफ्ट कार वगैरह खड़ी है। तो पुस्तक को पहले हम लोग बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये पूरी कार में सबसे बड़ी कार यही है, मतलब बस यही है जिसमें जेट पैक लगा हुआ है। तो चलो इसको हम लोग खड़ी करते हैं। उसके बाद और भी पूरी कार जितनी है, अभी और कार तो हमारी बाहर ही खड़ी है। और भाई, इसको जितना ख़रीदने में टाइम नहीं लगता, उतना तो भाई इसको अंदर बाहर करने में टाइम लग जाता है। जैसे कि देख रहे हो कि कार करके हम लोग अंदर से बाहर कर रहे हैं, शोरूम को खाली कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डॉज वाइपर का शोरूम इसमें बनाएंगे। तो चलो, अब रात हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो ये लास्ट ही कार थी अपीलो, तो इसको भी हम लोग एक साइड से बाहर कर देते हैं। और आप देख सकते हो हमारी पूरी गाड़ियां जितनी भी रेयर कार थी सब बाहर कर दी गई हैं। अब हम लोग इसको डॉज वाइपर शोरूम इसको बना देंगे। तो आप देख ही सकते हो कि सुबह आप लोग का फिक्स टाइम रहता है कि रात में, मतलब रात हो जाती है, लेकिन रात में कोई वो फिक्स नहीं है। आप चाहे जितना भी रात में काम करो, ये रात सुबह होने का वो नहीं है कि सुबह हो जाएगी, तो आप रात को आराम से काम कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने अभी 3 ही डॉज वाइपर अभी तक मैं खड़ी कर पाया हूँ, ये मेरी 4th डॉज वाइपर है। तो इसको भी हम आराम से खड़ी कर देते हैं लाइन से। तो देखना, मज़ा तो कल सुबह तक में आएगा, जब हमारे सुबह उठते ही हमें दिखेगी डॉज वाइपर की पूरी शोरूम। तो हमारी अभी 8 डॉज वाइपर खड़ी हो चुकी हैं, तो अभी हमारे पास अभी भी बहुत डॉज वाइपर कार हैं। देख सकते हो कितनी सारी डॉज वाइपर हैं, तो बहुत टाइम लगेगा भाई लोग इसको करने में। तो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो हम लोग एक एक करके सभी कार को खड़ी कर दिए हैं। ये हमारी लास्ट कार थी, तो इसको भी हम लोग खड़ी कर देते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग सोने, जैसे कि सुबह उठ के देख हम इन सभी गाड़ियों को बेच सकें और हमारा चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं सोने, और फिर उसके बाद तो चलो सुबह हो चुकी है, और देखते हैं बाहर चल के कि हमारी कार के शोरूम कैसा लग रहा है। वैसे देख ही सकते हो कितना मस्त लग रहा है, एकदम पूरा शोरूम हमारा उससे डॉज वाइपर कार से भर चुका है। और यहाँ पे लोग भी आ चुके हैं, एकदम जैसे मेला लगा हो, कुंभ का मेले में जितनी भीड़ रहती है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे तो नहीं लगी है, लेकिन बहुत भयानक भीड़ लग चुकी है। और बेन मोटर्स में देख सकते हो डॉज वाइपर का शोरूम खुल चुका है, और अब हम लोग एक एक करके सभी कार को बेचने वाले हैं, और बिना बार्गिंग किए जो देंगे हम लोग ले लेंगे, क्योंकि अच्छा ही रेट में हम लोग मिल रहा है, जो ख़रीदे तो वही रेट में मिल रहा है। और पता ही ओकेज़न से हमें अच्छी कार विदाउट डैमेज वाली मिल जाती हैं, तो हम लोग इसीलिए पूरी कार को बिना बार्गिंग किए खरीद बेच दे रहे हैं। तो चलो, सब कार को हम लोग बेच देते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग आ रहे हैं जो कि 1,00,000 से ऊपर का कार ले जा रहे हैं, और जैसे कि ये 1,50,000 की कार ले गई। और उसके बाद फिर हम लोगों की पिंक वाली डॉज वाइपर, भाई साहब डॉज वाइपर की अलग ही बात है। क्या अभी तक कोई इस चैलेंज को किया होगा या फिर नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर और आप लोगों ने अगर इतनी सारी आप लोगों के पास भी डॉज वाइपर हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितनी कार हैं, 7, 8, 9, 10 कितनी कार हैं। मैं तो जैसे इसमें 20 कार, वैसे मेरे पास 21 प्लस कार हो सकती थी, तो मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी मोबाइल लैग मार रही थी, तो मैं इसीलिए कार को कलेक्ट नहीं कर पाया, तो 20 कार तक ही गया। और मेरी एक डॉज वाइपर पर्सनली रहेगी, तो वो मेरी बाहर खड़ी है। तो हम लोग एक एक करके सभी गाड़ियों को जल्दी जल्दी बेच रहे हैं, जैसे कि लैग ख़त्म हो, और उसके बाद फिर अपनी रेयर कार बस यहाँ पर खड़ी रहेंगी। और फिर आप लोग देख ही सकते हैं ये लोग कितने आराम से एक एक कार को ले जा रहे हैं। तो सभी कार देख रहे हो कितनी लाइन से, पूरी एक कार को लेने के लिए इतनी सारी लाइन लगा के आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा एक कार को लेने आ रहे हैं, अच्छे साइड में भी कार खड़ी थी। तो ये लास्ट कार है हमारी, मतलब 2 कार हैं जो कि नीली नीली ही बची हैं, तो हम इन मैम को दे देते हैं।
वैसे सर दो खड़े हैं तो मैम लेडीज़ फर्स्ट तो इनको दे देते हैं। तो ये बहुत सस्ते सस्ते में कार ले जा रहे हैं यार, जितने में हम लोगों को पड़ा नहीं था उतने में कार बेच रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं, वैसे प्रॉफिट तो ले सकते थे पर कोई बात नहीं। तो चलो ये कार हमारी लास्ट थी, तो हमारी पूरी कार बिक चुकी हैं। तो अब फाइनली बेन मोटर्स में अब डोर वाइपर शोरूम का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख ही सकते हैं पूरी कार हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग कौन सा चैलेंज करें तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।